अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज बकरीद का दूसरा दिन है और बहुत ही ज़्यादा बिजी डे है आज, और हम लोग दो तरफ से आज इनवाइटेड है। एक मेरी मम्मी के घर से इनवाइटेड है और एक छोटी अम्मी के घर से इनवाइटेड है। लेकिन मम्मी का घर जाने का मौका नहीं मिल रहा क्योंकि काम इतना ज़्यादा है कि निकल नहीं पा रही हूँ घर से। तो जैसे ही यहाँ का सब कुछ काम सॉर्ट आउट हो जाएगा तो इंशाल्लाह देखते हैं मम्मी के घर से भी होकर आते हैं। अभी सानिया लोग आई हैं, हम लोग सब रोटी बना रहे हैं, सारा काम फैला हुआ है, बहुत लोग आने वाले हैं अभी घर पे। देखते हैं हाँ क्या होता है। अब सो के उठ गया माँ, तुमको देखने हम लोग का काम करते वक्त भी हम लोग का हाथ में फोन रहता ही है। कितना पराठा बना है? 3 किलो का पराठा बना है। पॉट अभी नजर नहीं आ रहा, अंदर है पॉट और यहाँ अलग रखा हुआ है। इतना सारा सब हम लोग को बनाना पड़ेगा अभी। मिनी सो रही है यहाँ पे, मिनी का निन्नी चल रहा है। आवेश नाश्ता खाना है तुमको? चलो ना तब, सब वहाँ खा रहे हैं बैठ के। चलो आओ, चलो नाश्ता। आप खा रहे ना? आवेश आवेश बैठ जाओ, बैठ जाओ, चलो बैठ जाओ तुम भी। हम फिरनी दे रहे हैं, वो फिरनी है यहाँ पे। आवेश खाते वक्त भी फोन फोन छोड़ो बेटा, खाओ खाओ। आप खिला रहे आवेश को? आलू दम बहुत टेस्टी बना। गाइस तो हम अभी जा रहे हैं मेरी मामू के घर मम्मी के पास में, क्योंकि मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही है। कल भी हम बकरीद के दिन हम नहीं गए थे, आज भी अगर नहीं जाएंगे तो मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही है। तो अभी मुझे फ़ौरन निकलना होगा, घर में कुछ काम की वजह से हम उलझे हुए, इस वजह से निकल नहीं पा रहे। तो हम जा रहे हैं मामू के घर। मीनू कहाँ ही नहीं आई? फूमा तो गाइज हम रेडी हो चुके हैं मामू के घर जाने के लिए। और आप लोग सोचते होंगे कि हमने फिर से कल वाला ड्रेस क्यों पहन लिया। वो वार्डरोब में रखा हुआ है ड्रेस, उसको आयरनिंग करना पड़ेगा और अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मेरा पूरा घर फैला हुआ है, लोग आए हुए हैं, सानिया लोग आई हुई है, सानिया लोग को हम रख के जा रहे हैं, इसलिए अभी निकलना पड़ेगा हमको, इसलिए हम ये ड्रेस पहन लिए। चलते हैं। मिनी कहाँ जा रही है? अरे बाबा ले मिनी, कोथाई जाच्छो तुम्ही? ऐसा हालत में उठाने को कोई पैदा है? बाय मिनी। आ रही छोटी मम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ रहे हैं, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। अभी आई मीनू? दूल्हा काम? ओ अच्छा, जाओ मम्मी पापा सब ऊपर है। अस्सलाम वालेकुम तारा माँ। अब कब आइएगा फिर? देखो अगर वो रोएगी तो फिर हम आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। सामने में मम्मी ग्रीन बोतल के बगल में कहाँ काम है? हाँ मम्मी नाश्ता कर रही है, इसलिए सलाम नहीं कर पाएंगी। वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं। अच्छी नहीं हूँ। पापा कहाँ? बाबू पापा, बाबू पापा कहाँ? डरे नहीं, चुनी हुई है नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। आवेश कहाँ है? आवेश वहाँ उन लोग के घर पे है, बात कर रहे थे, पानी होने लगा। ये इंशा है, क्या बना रही हो इंशा?
आलू का भाजी बना रही हो? बनाओ। तो गाइस आप लोगों को अभी हम किसी से मिला रहे हैं, ये देखिए ये मेरी अप्पी का बेटा है। वालेकुम अस्सलाम। तो ये पापा की परियों के ऊपर मैं कुछ सुनाना चाह रहा, बेटा सुनाओ। जब किस्मत ही में ना हो पापा के ऊपर तो किस बात की खुदा परवरी। अरे बाबू बस इतना ही और नहीं है? तो सुना पापा की परियों ने सुन लिया क्या बोला है बच्चे ने। हम लोग जा रहे हैं अभी दही बड़ा खाने के लिए। दही बड़ा आया। चुप। कितना बनवाना है? दीजिए भैया दो दीजिए। दो ही ले खाएगा और कोई नहीं? अभी हम लोग दो खाएंगे, बाकी तो अंदर खा रहे हैं। Yes, देख रहे हो तुमको मेरा चैनल का नाम नहीं पता है हमको। हम तो आपको आज पहली बार देखे। चले गए जा। अरे जाओ ना भाई, कोई नहीं है घर में। मेरा फोन का ब्राइटनेस जा रहा है। अभी तक के सुबह से ऊपर नीचे कर रहा। यहाँ हम लोगों की दही बड़ा पार्टी हो रही है। पार्टी हो रही है। ये मेरी बड़ी अप्पी है और ये मेरी मछली अप्पी है। पार्टी हो रही है, हमारी पार्टी हो रही है। सब कितना बिजी, मम्मी कितना बिजी है, बात करने का वक्त नहीं है। वहाँ मेरी बड़ी खाला बैठी हुई है, कितना बिजी है। तो गाइस मैंने आपको सुबह सुनाया था एक पापा के बड़ी वाला शायरी। तो अब हम मैं एक और शायरी सुनाने जाता हूँ। अर्ज करो। क्यूट को कहते हैं सुंदर, बिना मेकअप के मेरी बेस्टी लगती है। क्या 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 क्या, जोर से जरा, मेरा व्यूअर्स को सुनाई नहीं गया है। क्यूट को कहते हैं सुंदर, बिना मेकअप के मेरी बेस्टी भी लगती है। कहाँ से लाते हो ऐसे ऐसे तुम? ये मेरी फलक अप्पी की बेटी है, कितनी क्यूट है ये। सुना दो बेटा पोएम, एक पोएम सुना दो। मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब आता है एक नहीं? अच्छा लंदन ब्रिज। चलो तो सुना आप लोगों ने, कितना अच्छा पोएम सुनाया बाबू ने। तो अब हम जा रहे हैं, आएंगे। अब देखो काम नहीं रहेगा तो आएंगे इंशाल्लाह। तुमसे ही तो मुलाकात नहीं होता है, तुम कहाँ हर वक्त पढ़ाई 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 करती रहती है। जब हम आएंगे उसके भाग जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट डेट रहेगा तब आएंगे इंशाल्लाह। कब कर रही हूँ ग्रिल पार्टी? नेक्स्ट संडे। ठीक है, हमको ज्वाइन करना है। ठीक है, हम लोग अच्छे से हम लोग पार्टी करेंगे। ठीक है, चलते हैं आप। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। बाय बाय। तो गाइज अब हम आ चुके हैं मेरे मामू के घर से। शाम में ही लौट आए थे और घर आकर बहुत ही ज़्यादा काम था, तो काम को सारा निपटाए हैं। निपटाने के बाद अब जाकर फुर्सत मिला है आप लोगों से मिलने का। तो अब हम इतना ज़्यादा थक चुके ना कि अब हिम्मत ही नहीं हो रहा है कि हम व्लॉग बनाएं, इसलिए हम अपना व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। और देखिए इतना ज़्यादा नींद आ रहा है ना कि ऐसा लग रहा है कि हम नींद में बात कर रहे हैं आप लोगों से, क्योंकि तीन रात से हम सोए नहीं हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।